Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स के ऊपर मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि इंडिया विक्स क्या है। इंडिया विक्स को मैं और थोड़ा सा एलेबोरेट करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे इसके ऊपर भी मेरे पास व्यूज आए थे। इंडिया विक्स को हम कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, इंडिया विक्स को और थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया, इंडिया विक्स एक इंडेक्स है जो हमारे सेंटीमेंट्स को, मार्केट के सेंटीमेंट्स को नापता है। बेसिकली ये एक इंडेक्स NSE ने बनाया हुआ है मार्केट में फियर को नापने के लिए। मार्केट के अंदर क्या है? फियर ही है। हर आदमी फियर में है। जो नुकसान कर रहा है वो भी फियरफुल है, और जो प्रॉफिट कर रहा है वो भी फियरफुल है। बस फर्क इतना है कि जो प्रॉफिट कर रहा है वो फियरफुल इसलिए है कि उसके प्रॉफिट्स कम ना हो जाएं, और जो नुकसान कर रहा है उसका फियर इसलिए है कि मेरे नुकसान बढ़ ना जाएं। लेकिन दोनों में एक फ़र्क है, दोनों के फियर में एक फ़र्क है कि जो नुकसान वाला काम है, यानी कि जब मार्केट गिरना शुरू होती है, वो फियर ज़्यादा पैनिक क्रिएट करता है, बशर्ते कि जब मार्केट बढ़ रहा होता है। तो बेसिकली इंडिया विक्स हमारे फियर को नापता है, मार्केट के सेंटीमेंट्स को नापता है। अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट में घबराहट बढ़ रही है, नेगेटिविटी की घबराहट बढ़ रही है, यानी कि मार्केट अब नीचे जा रहा है। तो इसीलिए हम देखते हैं जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे आती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो क्या मार्केट बढ़ नहीं सकती। हाँ, जब इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर कई बार होता है तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि मार्केट के अंदर घबराहट है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इंडिया विक्स का एक बेस पॉइंट क्या होगा, मेरे हिसाब से 18 से 20 का जो पॉइंट है वो इंडिया विक्स का एक नॉर्मल इंडेक्स होना चाहिए। अगर 20, 21, 22, 23, 24 इंडेक्स चलता है, इंडिया विक्स चलता है, तो हम मानते हैं कि मार्केट के अंदर एक घबराहट ज़्यादा है और मार्केट एक अभी नेगेटिव जोन में चल रही है। वही अगर जो इंडिया विक्स है वो अगर 20-18 के नीचे है तो हम मानते हैं कि मार्केट के अंदर कोई बहुत घबराहट इस समय नहीं है, मार्केट एक रेंज बाउंड में आराम से चल रहा है। अब बात आती है कि ये इंडिया विक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली इंडिया विक्स को NSE जब कैलकुलेट करती है उसका एक अपना फॉर्मूला है। हर स्टॉक्स के अपने वेटेज होते हैं, उनके अलग अलग जो ऑप्शन प्राइसेज होते हैं, स्ट्राइक प्राइसेज होते हैं, उनके प्रीमियम को नापते हुए इंडिया विक्स को उसके साथ डिज़ाइन किया गया। वो थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, वो हम शायद नहीं समझा पाएंगे और आपको उसको समझने की अभी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप केवल इतना समझ लीजिए कि अगर आज मार्केट का इंडिया विक्स अगर 24 है तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है वो अभी करंट लेवल से, ये 24 का मतलब ये ईयरली विक्स माना जाता है कि मार्केट करंट लेवल से 24% ऊपर या 24% नीचे जा सकती है। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है कि मार्केट में जो एक फियर बना हुआ है उसके हिसाब से जो करंट इंडेक्स चल रहा है उससे 24% मार्केट ऊपर या 24% नीचे मार्केट की एक रेंज बनती है। अब हम एक काम करते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं, बेटर वे में समझ पाएंगे। ये मैंने इंडिया विक्स का चार्ट लगा दिया है। इंडिया विक्स जो है वो इस समय चल रहा है हमारा करीब 25। अब 25 का क्या मतलब हुआ, अभी जो है हमारा इंडेक्स चल रहा है करीब 16,600। अब 16,600 का मतलब ये हो गया कि अगर इंडिया विक्स 25 है तो ये इंटू 25% प्लस कितना हो गया, 16,600 का करीब 20,000
750 इसका ऊपर का रेंज हो गया और 16,600 × 25% लेस 12,450 यानी कि 12,450 इसकी नीचे की रेंज हो गई। अगर अभी 16,600 का इंडेक्स चल रहा है और विक्स 25 है तो इसका मतलब 25% मार्केट यानी कि 20,750 ऊपर और नीचे 12,450 ये हमारी एक रेंज बन गई है पूरे साल की। पूरे साल में मार्केट की ये रेंज है, ये इंडिया विक्स बताता है। तो अब पहले तो इस बात को समझ लीजिए क्या ये सही है, ये सही नहीं है। हम इस रेंज को सही नहीं मान सकते क्योंकि इसके पीछे बड़ी मिथ होती है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, शायद ये मुझे इसीलिए बताना पड़ रहा है। मिथ ये हो जाती है कि क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ ये रेंज जब हो जाएगी अगर पूरे साल जो विक्स है वो 25 रहता है, लेकिन आपको पता है कभी ये विक्स 25 हो रहा है, कभी ये विक्स 20 हो जाता है, कभी ये विक्स 15 भी हो जाता है। तो अगर ये विक्स 15 हो जाएगा तो 16,600 × 15% प्लस ये अब हायर रेंज बना इसका 19,000 ऊपर का और नीचे का जो 15% अगर इसमें से कम कर दूं मैं तो 16,600 × 15% लेस 14,100 ये हमारी ये रेंज बनी। तो अब ये चेंज हो गया, तो इसीलिए हम एक पर्टिकुलर विक्स के हिसाब से जो भी अभी विक्स चल रही है हम उससे एनुअल रेंज को नहीं नाप सकते। नंबर वन ये तो चीज क्लियर हो गई, लेकिन जब हम इसको नाप ही नहीं सकते और ये रेंज हमारे काम की नहीं है तो फिर हम इंडिया विक्स को ऑप्शंस में कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शंस में अगर हमको इंडिया विक्स को यूज करना है तो ये हम कर सकते हैं कि ये जो इंडिया विक्स है ये पूरे साल में तो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग हो जाती है, लेकिन हाँ एक दिन के लिए ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं होगी अगर कोई बड़ा इवेंट नहीं है। अगर उस दिन उस पर्टिकुलर दिन के अंदर कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है तो वो विक्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। तो इसीलिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर हम विक्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम इंट्राडे या बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 3 दिन की 5 दिन की 4 दिन की ट्रेडिंग के लिए हम इंडिया विक्स को यूज़ करके एक रेंज निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इंडिया विक्स और ऑप्शन चेन, बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था ऑप्शन चेन और इंडिया विक्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं जो हमको मार्केट का एक व्यू बनाने में हेल्प करते हैं। ऑप्शन चेन क्या करती है, ऑप्शन चेन के अंदर हम डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट है उसको देख के ये आइडिया लगाते हैं कि मार्केट की क्या रेंज बनी है। और ऐसे ही हम अगर इंडिया विक्स के थ्रू अगर हम एक महीने की रेंज निकालें, अगर हमको पता है कि एक फ्यूचर्स जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक मंथ के होते हैं और एक वीक के होते हैं, इसके अलावा कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं, तो हम एक दिन की रेंज निकाल सकते हैं, हम एक वीक की रेंज निकाल सकते हैं और हम एक मंथ की भी रेंज निकाल सकते हैं। अब बात आती है कैसे ईयरली रेंज हमने कैसे निकाली थी। अभी जो विक्स है करंटली वो 25 है तो इसका मतलब ईयरली जो रेंज है वो है 20,750 और नीचे में 12,450। अब अगर मुझे ये रेंज निकालनी है एक महीने की तो ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर थोड़ा सा गणित है। वो गणित क्या है कि जो भी पूरे साल है पूरे साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो आपको अभी हमने एक साल की जो विक्स है वो 25 है तो 12 महीने में को अगर हम 12 महीने का एक स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं यानी कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 12 निकाल लेते हैं 12 का स्क्वायर रूट तो 3.46। एक काम करता हूं मैं यही दिखा देता हूं, कई लोगों को समझ नहीं आएगा। ये मैंने खोल लिया कैलकुलेटर, ये स्क्वायर रूट का निशान है, ये मैंने स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया मेरा 3.46 यानी कि 3.46 मेरा आ रहा है जो फैक्टर है वो है एक महीने का, क्योंकि मैंने उसका 12 पूरे महीने पूरे साल में 12 मंथ होते हैं 12 का मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो आ गया हमारा 3.46। और ऐसे ही अगर मुझे एक दिन का निकालना है तो मुझे पता है एक साल के अंदर होते हैं 365 दिन तो मैं क्या करूँगा, अब मैं 365 दिन का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, 365 का स्क्वायर रूट
ये आ गया मेरा 19, ये आ गया मेरा 19.1 मान लो, 19 कर लो, तो ये है हमारा वन डे का, और 3.46 क्या था हमारा पूरे मंथ का था, यानी कि वन मंथ का। और ऐसे ही हम वीक का निकाल सकते हैं, वीक में क्या, एक साल के अंदर 52 हफ्ते होते हैं, तो अब हम 52 का स्क्वायर रूट हमारा आया 7.2, यानी कि 7.2 हमारा बनेगा वन वीक का। तो ये मैंने तीन फैक्टर निकाल लिए, एक मैंने मंथ का फैक्टर निकाल लिया, एक मैंने दिन का फैक्टर निकाल लिया, और एक मैंने वीक का फैक्टर निकाल लिया। अब आता है कि मुझे रेंज कैसे निकालनी है। अब अगर मैं एक महीने वाले फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूँ, यानी कि एक महीने के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मुझको ये देखना है कि मेरा जो मंथ वाला है वो फैक्टर है वो ये 3.46, यानी कि मैं क्या करूँगा, अब जो मेरा ये 25 आ रहा है, 25 को डिवाइड कर दूंगा अपने 3.46 से, 25 डिवाइडेड बाय 3.46, ये आया 7.22, 7.22, यानी कि एक मंथ के अंदर अब जो मेरी रेंज आ रही है वो आ रही है 7.22, यानी कि जो निफ्टी है वो जो भी करंट लेवल चल रहा है, मान लो 16,600 का अभी निफ्टी चल रहा है, तो इस मंथ के अंदर 7% ऊपर या 7% नीचे, यानी कि अगर मैं 16,600 इंटू 7% प्लस करूं तो ये बनता है 17,762, यानी कि 17,762 ये मेरा ऊपर का रेंज बनेगा, और नीचे का रेंज बनेगा 16,600 इंटू 7.2% लेस 15,404, ये मेरी अब बनी है पूरे मंथ की रेंज। तो ये मंथ की रेंज जो है ये ईयरली रेंज से कुछ ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सेंटीमेंट्स जो एक साल में हम हमारे सेंटीमेंट जो हैं वो ज़्यादा चेंज होंगे, हालांकि एक महीने के अंदर कंपैरेटिवली कम चेंज होंगे, तो ये एक फिर भी एक हमको बेटर ऑब्जर्वेशन देती है कि मार्केट अगर अभी 16,600 चल रहा है तो इसका ऊपर का पॉइंट 17,700 समथिंग होएगा, नीचे का 15,400 होगा। अगर मैं मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ तो मुझको ध्यान रखना चाहिए कि 17,500 के लेवल्स तक मार्केट ऊपर जा सकता है। मैं उन कॉल ऑप्शंस को अगर मुझे सेल करना है तो मैं इनके बाद वाली या इसके पास वाली कॉल ऑप्शंस को सेल करूं, या अगर मुझे पुट ऑप्शंस को सेल करना है तो मैं उसके नीचे की सेल करूं। ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन है। कहते हैं ना कि जब अगर आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो सारे के सारे आप अपने टूल्स और औजार साथ लेके जाओगे तो ही आप विनर बन पाओगे। अगर आप जंग के मैदान में आप चले गए और बंदूक आप घर भुलाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नुकसान होना ही है, आपकी हार पक्की है। तो ये बेसिकली टूल्स हैं, चाहे वो ऑप्शन चेन हो और चाहे वो इंडिया विक्स हो। इंडिया विक्स को मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम इंडिया विक्स को कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं और हम कैसे अपनी मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे एक रेंज निकालने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी। अब चलिए एक काम करते हैं, हम एक दिन की भी रेंज निकालते हैं। हम एक काम करते हैं, वापस इसको क्लियर करते हैं। हमको पता है इस समय जो विक्स है वो है 25, विक्स है इस समय 25, और मुझे एक दिन की निकालनी है, यानी कि 365 दिन होते हैं, 365 का स्क्वायर रूट मैंने निकाल दिया, तो 365 का जो स्क्वायर रूट है वो बनेगा हमारा करीब 19। अब हम क्या करेंगे, ये 25 को जो हमारा ईयरली है विक्स है उसको हम 19 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 19 1.31, यानी कि 1.31। अब ये हमारे पास जो फैक्टर आया है 1.31, अब ये इतने परसेंट मार्केट एक दिन में करंट विक्स के हिसाब से ऊपर या नीचे जा सकती है, यानी कि अभी इंडेक्स चल रहा है 16,600, इसको मैं अगर प्लस 1.3% करता हूं तो ये कितना बना, 16,600 इंटू 1.3% प्लस 16,815, ये ऊपर की रेंज हो गई, 16,000
815 और नीचे की रेंज बनेगी इसकी 16,600 इंटू 1.3% लेस 16,384 ये हमारी एक दिन की रेंज बन गई। तो बेसिकली हमको ये पता है कि मार्केट इस समय इतना वॉलेटाइल है कि एक ही दिन में मार्केट अगर 16,600 चल रहा है तो करीब 16,600 मान लो यहाँ चल रहा है, ये 16,600 हमारा करंट चल रहा है और मार्केट जो है करीब 200 पॉइंट ऊपर एक दिन में या करीब करीब 225 पॉइंट नीचे मार्केट की रेंज है। तो अगर मुझको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो एटलीस्ट मैं और दिन की ऑप्शन में अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय विक्स इतना पावरफुल है कि एक ही दिन में मार्केट को ऊपर 200 और नीचे 200 ले जाने की ताकत रखता है। तो बेसिकली ये एक अंडरस्टैंडिंग है आपको समझने के लिए कि विक्स की क्या इंपॉर्टेंस है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो फाइनली इन नटशेल इंडिया विक्स हमको मार्केट की रेंज को निकालने में हेल्प करता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये जो रेंज है आप शॉर्ट टर्म ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड या मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 30 दिन का जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो 30 दिन का जो इंटरवल है आप वहाँ तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इंट्राडे के अंदर ये और ज़्यादा प्रिसाइज होएगा, वीक में थोड़ा कम प्रिसाइज होएगा और मंथ में और कम प्रिसाइज होएगा और ईयरली में बहुत कम प्रिसाइज होगा। तो बेसिकली ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की हैं। जैसे हमने ऑप्शंस के द्वारा एक रेंज मार्केट में रेंज को निकालना सीखा था, ऐसे ही इंडिया विक्स से हम एक मार्केट की रेंज को निकालने की कोशिश करते हैं। समझिए कि ये हमको व्यू नहीं बताता है, व्यू आपको आपकी अपनी जो एक स्ट्रैटेजी है यूडीटीएस व्यू आपको उसी से ही बनाना है और व्यू उसी से बनेगा, या आप कोई भी टेक्निकल टूल यूज करते हैं व्यू आप उससे बनाएं। ये एक एडिशनल टूल्स हैं, चाहे ऑप्शंस हो, ऑप्शंस चेन्स हो या इंडिया विक्स हो, इसको आप एडिशनल टूल की तरह यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू, उम्मीद करता हूं आज इंडिया विक्स के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई होगी और आज जो इंडिया विक्स की इतनी बात होती है अब आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है तो क्या है, इंडिया विक्स अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब मार्केट में घबराहट ज़्यादा है और घबराहट कब होती है, जब लोगों को नुकसान हो रहा होता है और जब नुकसान हो रहा होता है तो इसका मतलब मार्केट नीचे आ रही होती है। बहुत सिंपल, स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC इज नाउ अ स्कूल ऑफ 10 मिलियन लर्नर्स अवार्डेड ट्वाइस बाय दिल्ली सिटी आइकॉन अवार्ड्स। सो लेट्स बिगिन यूडीटीएस ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC।